Hello friends, today I am facing a question relating to how to take care of kids during monsoons at school and at home. This is a very, very important question at this point in time, and I thank those parents who are asking these questions repeatedly time and again, and I am so glad that they are concerned for their children and other children. Thank you very much for asking such a wonderful question. तो मैं आपको कुछ basics इस पे बताना चाहता हूँ कि मानसून के time में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए। दो चीजों पे हम categorize कर लेते हैं। एक तो बच्चे के अंदर मजबूती लाई जाए, दूसरा बच्चे को बाहर से ऐसा environment दिया जाए जो उसकी internal मजबूती को भी, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या immunity कहते हैं, उस पे फर्क पड़े, इंप्रूवमेंट आए। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इंटरनल से बात करते हैं। पहले मानसून में बच्चे के खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है, इस पीरियड में जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया एनवायरमेंट में काफी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसलिए हाइजीन का, खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग बच्चों को बताते होंगे कि खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं, खाना खाने के बाद अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। मदर्स के लिए मेरी राय है कि इस समय जो वेजिटेबल्स भी आती हैं, लकीली इस पीरियड में खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद हैं, उनको आप जरूर इस्तेमाल करें, मगर इस्तेमाल करने से पहले उनका सफाई पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करें। कई बार इन वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं जो यदि उसको ठीक से धोया ना जाए और उसकी ठीक से कुकिंग ना हो तो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में विटामिन सी रिच डाइट देने की जरूरत है ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ सके। तो एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना, एक खाने की क्वालिटी का ध्यान रखना, एक खाने के टाइप का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है और मुझे पता है कि सारी मदर्स ऐसा करेंगी। इसके अलावा बच्चे के जो कपड़े हैं, मॉनसून सीजन में रिपीटेडली सेम कपड़े पहनाना बच्चे के इंटरेस्ट में नहीं है। हमको साफ सुथरे प्रॉपर कपड़े बच्चे के टाइम एंड अगेन चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि कपड़े से होने वाली इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसफर रुक सके। तो खाने पीने पे ध्यान रखना, खाना बनाते समय ध्यान रखना, कपड़े पहनाते समय ध्यान रखना, कौन से कपड़े पहनाए, हम कपड़े रिपीट तो नहीं कर रहे, घर में जो उनका रूम है उसको क्लीन एंड ड्राई रखना, बारिश यदि हो रही हो तो हल्का वार्म रखना बहुत जरूरी है, बहुत मदद करता है। और इस सीजन में सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को इंसेक्ट बाइट और मॉस्किटो बाइट से बचाना। आपको पता है मॉस्किटोस बहुत सारी बीमारियों के करियर एजेंट्स हैं, वो बहुत सारे जर्म्स को लेकर हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, जैसे मलेरिया हो गया या और कई तरह के बुखार हो गए। हमको मच्छरों से बच्चों को बचाना है, घर के आसपास पानी नहीं रुकने देना है, स्टेग्नेंट वाटर नहीं रखना है, अपने पॉट्स को चेक करें वहां पानी तो नहीं खड़ा हो रहा है, अपने बर्तनों को चेक करें कहीं कोई ऐसा बर्तन तो नहीं है बाहर जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो, कोई टायर तो नहीं पड़े हैं, कूलर में पानी तो नहीं खड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आप मॉस्किटोस से निजात पा सकते हैं और अपने बच्चे को बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी घर में कोशिश करें कुछ नेचुरल रेपेलेंट्स यूज करने का ताकि बच्चों को अंदर मच्छरों को पनपने से अपने बच्चों को बचाया जा सके। जैसे आपको पुराने टाइम का यदि याद हो तो नीम की पत्तियां घर के अंदर जलाई जाती थी, उससे मच्छर मर जाते थे, भाग जाते थे, दूसरे इंसेक्ट्स भी भाग जाते थे, जो इको फ्रेंडली है। आज हम ऑल आउट या इस तरह की चीजें ज्यादातर यूज करते हैं जो केमिकल्स हैं, जो एक तरफ मच्छर को मार रहे हैं मगर दूसरी तरफ एनवायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं। तो नेचुरल तरीके हमको ढूंढने की आवश्यकता है।
बच्चों में कई बार टेंडेंसी होती है अपने हाथों को चाट लेने की, टंग से छू लेने की, कई बार कुछ भी उठा के खा लेने की, तो उससे इस मौसम में डायरिया होने के काफी चांसेस हो जाते हैं, जो कई बार अनक्लीन वाटर पीने से भी हो सकते हैं, होते हैं। आपको क्या करना है, बच्चे को बचपन से ही ये सिखाना है कि अनसेफ वाटर नहीं पिए, पानी वही पिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जो घर से लेकर जा रहे हैं। और यदि स्कूल में आपके प्रॉपर आरओ सिस्टम्स वगैरह और क्लीन वाटर का अरेंजमेंट है तो उसको पिए और अनसेफ वाटर से बचें। बच्चे को ये भी सिखाएं कि आपकी जो पर्सनल क्लीनलीनेस है उसके लिए सजग होना मानसून सीजन में बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को जर्म से बचा सकें। इस पीरियड में बच्चों को ये भी सिखाएं कि जो आपस में हाथ मिलाते हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि कोविड का भी टाइम है और इस मौसम में हाथ के थ्रू बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, हमारे श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं, नाक तक पहुंचते हैं, आंख तक पहुंचते हैं, मुंह तक पहुंचते हैं और हमें कई बार बीमार करते हैं। बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा खांस रहा है या फीवरिश है या उसको कोई तकलीफ है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। स्कूल में सभी बच्चों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लास के अंदर कोई एक बच्चा भी यदि फीवरिश है या उसको खांसी जुकाम है तो उसको वो मेडिकल रूम भेजने के लिए टीचर्स को बता सकें। कई बार वो बच्चा खुद नहीं बताता है, ये बहुत जरूरी है। मानसून में आई फ्लू बड़ा कॉमन होता है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं समझता हूँ सभी बच्चों का वैक्सीनेशन स्कूल एज तक पहुँचते पहुँचते हो चुका होता है, नहीं हुआ है तो जरूर कराएं। एंड अबव ऑल इट मे बी ओनली मानसून सीजन और एनी अदर सीजन टू दैट मैटर, बैलेंस डाइट प्लेज अ वंडरफुल रोल। तो आप बैलेंस डाइट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें। बच्चे के लिए जितनी भी इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं शरीर के ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वो सब उसको जरूर दें, जो बैलेंस डाइट के थ्रू आप दे सकते हैं। और इसमें शामिल करें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फैट्स हैं, फैट भी कम रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये आपको डेली के भोजन से इसकी आवश्यकता बच्चों में पूरी हो जाती है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि बच्चे का टिफिन जो स्कूल जाए वो प्रॉपर बैलेंस डाइट वाला हो और घर में जो खाना खाए वो भी बैलेंस्ड हो, और हाथ की जो हाइजीन है, हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं, बच्चे को मानसून में पर्टिकुलरली जरूर आदत डाल दें कि वो टाइम टू टाइम अपने हाथ साबुन से धोता रहे, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो। आई एम श्योर विद दीज स्मॉल लिटिल टिप्स वी विल एंश्योर हेल्दी चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन। विश यू ऑल द बेस्ट।